हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंडरस्टैंडिंग कैलकुलेशंस. दिस इज़ जनरल एप्टीट्यूड पार्ट, द कैलकुलेटिव पार्ट ऑफ गेट 2013. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5 एंड 8 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 11, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू. इसके लिए देखिए, डिवाइड, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी. जब कोई नंबर हम डिवाइड होता है, इसका मतलब क्या होता है? अगर y की वैल्यू बहुत, डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा है, तो ओवरऑल नंबर जो है वो क्या आएगा? कम आएगा. और y की वैल्यू अगर कम है, तो ओवरऑल नंबर आपका ज़्यादा आएगा. मतलब कि ये चेंज हो जाता है ऐसे. डिनोमिनेटर, आप किसी भी नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे, तो वैल्यू आपके पास छोटी आएगी. तो ये आपको, ये वाला लॉजिक इसमें यूज़ करना है. तो देखते हैं क्वेश्चन. मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं पहले. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x अपॉन y, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x अपॉन y के लिए क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, मैंने आपको बोला कि इस फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x अपॉन y इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, जो कि कितनी है? 5, और अपॉन मिनिमम वैल्यू y की, मिनिमम वैल्यू यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ y, जो कि 8 है. तो इस, ये मैक्सिमम वैल्यू x अपॉन 5 इसकी, x अपॉन y की कितनी आएगी? 5 अपॉन 8. नेक्स्ट है मिनिमम वैल्यू, देखते हैं. मिनिमम वैल्यू ऑफ x अपॉन y, तो इसमें क्या हो जाएगा? मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ x अपॉन y की मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि अगर ये डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो ही ये पूरी फ्रैक्शन जो है वो कम आएगी. तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, मिनिमम वैल्यू ऑफ x कितनी है? मिनिमम वैल्यू ऑफ x है 3, ये मैक्सिमम है ये वो, और इसमें कितनी है मैक्सिमम वैल्यू y की? 11. तो मिनी मैक्सिमम वैल्यू तो ये आ गई, किस में है ये? इसी में ही है, एक ही ऑप्शन में. और मिनिमम वैल्यू x अपॉन y की कितनी आ गई? 3 अपॉन 11. तो इसका आंसर है बी. ये आपको ध्यान रखना है, फ्रैक्शन मतलब डिवाइड में है ना, मल्टीप्लाई में होता तो सिंपल ही हो जाता, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करके सिंपल आंसर आ जाता. डिवाइड में आपको ये लॉजिक याद रखना है कि डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा होगा वो फ्रैक्शन उतनी कम हो जाएगी, और डिनोमिनेटर जितना कम होगा उतनी वो फ्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. टेबल, फॉलोइंग टेबल गिव्स डेटा ऑन टूरिस्ट फ्रॉम डिफरेंट विजिटिंग इंडिया इन द ईयर 2011. टू कंट्रीज बतानी है, कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट हु विजिटेड इंडिया इन 2011. ये आपको बताना है. तो कुछ नहीं करना है इसमें, इसका सम करोगे आप, इसका टोटल आप सम करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 13500. इन सबको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा. तो आपको ये देखना है कौन से दो पेयर, जैसे यूएसए और जापान, वो 1/3 दे रहा है या नहीं, यानी कि रेशो निकालना है. यूएसए और जापान करके देखते हैं. USA 2000, जापान है 2400. तो 2000 प्लस 2400 कितना हो जाएगा? 4400. तो आपको उसके साथ रेशो निकालना है, 4400 अपॉन 13500. कटेगा ही नहीं ये, 1:3 नहीं आएगा. ऐसे आप USA और ऑस्ट्रेलिया करके देखोगे. इसका आंसर है सी, इंग्लैंड और फ्रांस. इंग्लैंड देखिए कितना है, 3500 प्लस फ्रांस कितना है? 1000. टोटल कितना हो गया? 4500. जब आप इसको डिवाइड करोगे 135 इसके टोटल से, तो आपके पास कितना आ जाएगा? ये 927. तो ये आ गया 1:3. तो इसका आंसर है, ये करके देखना, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी नहीं आएगा. इसका आंसर है सी, इंग्लैंड एंड फ्रांस, जिनका टोटल अपॉन ये टोटल कितना आ जाएगा? 1/3. तो इंग्लैंड एंड फ्रांस आर द टू कंट्रीज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट हु विजिटेड इंडिया इन 2011. नेक्स्ट क्वेश्चन है मोड पे. ये मोड, मोड बोलते हैं इसको, मोड. ये माइनस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 3. अब इसमें दो ऑप्शंस हैं, दो केसेस हैं. देखो, जब भी किसी वैल्यू का मॉड लेते हैं, तो या तो वो पूरी वैल्यू मतलब नेगेटिव होती है तो पॉजिटिव हो जाती है, और अगर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहती है. मतलब जो मॉड, ये जो दो लाइंस हैं मॉड, ये क्या करता है, इस अंदर वाली वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है. तो वी हैव टू केसेस, या तो ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी, मतलब पॉजिटिव मान लेते हैं पहले ये. तो इस केस में x की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 9 माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 6. x की वैल्यू आ गई 3.
या फिर केस टू है कि ये पूरी वैल्यू जो है ये नेगेटिव है, ये पूरी वैल्यू नेगेटिव थी और इसको मॉड यूज़ किया और 3 आ गई, 2x-9 हो जाएगा। इस केस में देखते हैं एक्स की वैल्यू कितनी आती है। तो एक्स की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। तो यानी कि इस मॉड को यूज़ करने, मतलब इस मॉड की वजह से एक्स की दो, मतलब इसकी दो केसेस बने, एक में 3 आई, एक में 6। दोनों में पॉसिबल वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस, आपको इसकी पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। तो हम देखते हैं इस केस में कितनी आती है, मॉड ऑफ -x-x2। तो मॉड एक्स की वैल्यू ही रख देते हैं, 3 -3 का स्क्वायर। तो आपको पता है मॉड क्या कर देगा इस नेगेटिव वैल्यू को, पॉजिटिव, 3 3 ज़ा 9, तो ये कितना आ गया, -9। इस केस में देखते हैं मॉड ऑफ x-x-x2, मॉड ऑफ 6 -6 का स्क्वायर। तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव ही रहेगा, 6 -6 का स्क्वायर इज़ 36। तो ये कितना आ जाएगा, -30। तो वी हैव टू आंसर्स फ्रॉम दीज टू केसेस, -6 एंड -30। -6 इज नॉट गिवन इन दी आंसर, तो -30 इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फैक्ट्री टू मशीन्स M1 एंड M2 मैन्युफैक्चर 60% एंड 40% ऑफ ऑटो कॉम्पोनेंट रिस्पेक्टिवली। आउट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन 2% ऑफ M1 एंड 3% ऑफ M2 आर फाउंड टू बी डिफेक्टिव। इफ अ रैंडमली ड्रॉन ऑटो कॉम्पोनेंट फ्रॉम द कंबाइंड लॉट इज फाउंड डिफेक्टिव, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। ओके, तो हम मान लेते हैं हमारे पास दो वो हैं M1 और M2, 60% और 40% है। तो हम मान लेते हैं टोटल 100 ही था, तो ये कितना हो गया 60। इसने 60 मशीन्स, मतलब 60 ऑटो कॉम्पोनेंट्स मैन्युफैक्चर करे और इसने किया 40। इसमें से 2% यानी कि अब डिफेक्टिव निकालते हैं। तो 2% तो M1 का था डिफेक्टिव, यानी कि 2% ऑफ 60। तो ये कितना आ जाएगा, 2% ऑफ 60, 1.2 कैलकुलेट करके। और M2 का डिफेक्टिव निकालते हैं, 3% इसका डिफेक्टिव है, तो यानी कि 3% ऑफ 40। तो 3% ऑफ 40 आप निकालोगे, ये भी कितना आएगा, 1.2। ये हमारे पास क्या आ गए, डिफेक्टिव। 60 और 40% था टोटल, मान लिया कि 100 ही थे, तो M1 ने 60 ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करे, इसने 40। डिफेक्टिव दिया हुआ है कि आउट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन 2% M1 का डिफेक्टिव था और 3% इनका डिफेक्टिव था। इफ अ रैंडमली ड्रॉन ऑटो कंपोनेंट फ्रॉम द कंबाइंड लॉट इज फाउंड डिफेक्टिव, अगर एक रैंडमली कुछ भी उठाया तो वो डिफेक्टिव निकला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाय M2। तो हम क्या करेंगे, M2 ने जो मैन्युफैक्चर किया डिफेक्टिव, अपॉन, यही तो होता है प्रोबेबिलिटी, मतलब पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो M2 ने जो डिफेक्टिव किया, डिफेक्टिव प्रोड्यूस किया, अपॉन टोटल जो M1 और M2 ने किया डिफेक्टिव पार्ट, वही क्या हो गई उसकी प्रोबेबिलिटी। तो M2 ने कितना किया, 1.2, और टोटल कितना है, 1.2 प्लस 1.2, तो कितना आ गया, 1.2 अपॉन 2.4, यानी कि हाफ, यानी कि 0.5 इज दी प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाय M2। आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फायर्ड डायरेक्टली इन अपवर्ड डायरेक्शन इज गिवन बाय, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वेलोसिटी बिटवीन 32 एंड 64। वेरी इजी क्वेश्चन, वी इज इक्वल टू 80 - 32 t। एक तो निकालनी है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी बिटवीन दिस एंड दिस, वेट इज द टाइम। तो हमें क्या निकालना है कि इसमें टाइम के बीच में, तो यानी कि एक बार तो वेलोसिटी की वैल्यू 32 रख देंगे, 32 इज इक्वल टू 80 अपॉन 32 t। तो 32 - 80 इज इक्वल टू -32 t। 32 - 80 कितना आ जाएगा, -48 इज इक्वल टू -32 t। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, -48 अपॉन -32, ये आपका आ जाएगा 3 अपॉन
टू. तो इस केस में तो कि वैल्यू कितनी आ गई टाइम की, 3/2. सिमिलरली एक बार इस इक्वेशन में 64 रखेंगे, 64 रखेंगे तो 64 इज इक्वल टू 80 माइनस 32 टी. 64 माइनस 80 इज इक्वल टू माइनस 32 टी. माइनस 16 इसको इधर ले लेंगे, माइनस 32 इज इक्वल टू टी, तो ये आपका आ जाएगा 1/2. तो कौन से इंटरवल में वो हुआ, 3/2 से 1/2. तो आंसर सी इज करेक्ट. दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. इफ यू फाइंड इट helpful, then please like, comment, share and subscribe to this channel. Thank you so much for watching.